जय हिंद दोस्तों, सिद्धिविनायक संगरिया YouTube चैनल पर बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भोजन के पोषक तत्व में दो महत्वपूर्ण पोषक तत्व वसा और प्रोटीन के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं वसा पर सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण और जल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण और जल पर बात कर चुके हैं। आज हमारे अंतिम टॉपिक इसके अंतर्गत वसा और प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, भी वसा है वो, फैट्स है वो किस से मिलकर बनी हुई होती है। तो वही बात, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसी से मिलकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर है वो फैट बनी हुई होती है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है भी इस फैट के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है। और फैट है वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लगभग ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। और अगर ये लिक्विड फॉर्म में होती है यानी द्रव अवस्था में होती है तो उसी रूप को हम क्या कह देते हैं? तेल कह देते हैं, ऑयल है वो कह दिया जाता है। उसके बाद 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो है लगभग 9 कैलोरी या 9.123 लिखे आते हैं कई बार, 9 कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4, वसा से 9 और प्रोटीन से 4, इसका मतलब इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? फैट से। तो इसलिए हमें फैट कम खानी चाहिए क्योंकि एनर्जी उससे ज़्यादा मिलती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, जो वसा होती है इसको जब हम अपघटन करते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन की सहायता से ये होता है, तो ऑक्सीजन की सहायता से जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा इसके लिए ज़्यादा चाहिए होती है, किसकी तुलना में? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। और ऊर्जा भी इससे सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। और जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं यानी जब हम इसका पाचन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण करना यानी पाचन करना, जब इसके ऑक्सीकरण होता है या पाचन होता है तो वसा है वो किस में टूट जाती है? उसमें टूट जाएगी जिससे ये मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, इन दो से मिलकर बना होता है, इन दोनों में ही टूट जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो पाचन से ये किस में टूटता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंतर्गत है वो टूट जाता है। अर्थात वसा के पाचन से क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए भी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन इसमें कम होती है। दूसरी बात, 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, और इसके पाचन से, ऑक्सीकरण से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है वो प्राप्त होते हैं। और किस में होता है ये हमें सामान्य जानकारी है, जो वनस्पति घी यानि जो तेल है, वनस्पति घी, डालडा घी जिसको हम बोलते हैं, बादाम, मांस, घी और जो भी मक्खन, अंडा, मछली, इन सब के अंतर्गत है वो फैट की मात्रा होती है, काफ़ी हद तक होती है। बादाम में तो ये लगभग 59% के आसपास होती है, बादाम में 59% है वो फैट होती है। मूंगफली में 40% के पास है वो ये फैट होती है। सोयाबीन में लगभग 20% के आसपास है वो फैट होती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये फैट के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारियाँ आपके लिए थी। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, इसमें प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा के बाद अब हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में वसा की तुलना में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं, ये किस मिलकर बना है? कार्बन,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब तक इन दो की बात कर रहे थे, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाएगी, इसमें नाइट्रोजन भी साथ में होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका मतलब प्रोटीन में नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें सल्फर आयरन और कॉपर भी होता है, ठीक है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। और हमारा जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रमुख आवश्यक तत्व होता है, या यूं कहें भी हमारे शरीर का, जीवों के शरीर का जो अधिकांश भाग है वो इस प्रोटीन से मिलकर ही बना हुआ होता है। और हमने पहले भी बात बताई आपको, 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, 4.1 के आसपास है, 1 ग्राम से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इस प्रोटीन का जो निर्माण है दोस्तों, ये एमिनो अम्ल से होता है। ये प्रश्न बहुत प्यारा है, बहुत पूछते हैं प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन का जो निर्माण है वो एमिनो एसिड से होता है, एमिनो अम्ल से होता है। और ये एमिनो अम्ल भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और कभी लाइफ में आपको ऐसा प्रश्न आ जाए भी उनमें से छांटना पड़े तो आप ध्यान दे लेना, अल्फा, अल्फा अमीनो एसिड, तब आप ये चूज कर लेना अल्फा, ठीक है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है, एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, अर्थात ये अल्फा एमिनो अम्ल। तो ये बहुत से एमिनो अम्ल, लगभग यूं कहूं भी 100 एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर, लगभग 100 एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आपको पता है जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइंस में पॉलीमर बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलकीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, और क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। और एक चीज और यहां एमिनो अम्ल के बारे में ही बताऊं दोस्तों, एमिनो अम्ल 20 प्रकार के हैं। एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये 20 प्रकार के होते हैं। इनमें से 10 जो एमिनो एसिड है, 10 एमिनो एसिड तो हमारे शरीर में बनते हैं, ठीक है, ये हमारे शरीर में बनते हैं, यानी शरीर में है। और जो चीज शरीर में है उसे हमें भोजन के रूप में ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इन 10 प्रकार को तो क्या कहा जाता है, गैर जरूरी एमिनो एसिड, गैर जरूरी, जरूरी नहीं है। टोटल 20 प्रकार के एमिनोमल है, जिनमें 10 प्रकार के एमिनोमल हमारे शरीर में बनते हैं, इसलिए इन्हें गैर जरूरी या गैर आवश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। बल्कि जो दूसरे 10 नहीं बनते हैं, वो एमिनो एसिड हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, उन्हें भोजन के रूप में लेना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्हें आवश्यक या जरूरी एमिनो एसिड कहा जाता है, आवश्यक या जरूरी एमिनो एसिड कहा जाता है। आपने दोस्तों एक नाम सुना है इंसुलिन का, इंसुलिन डायबिटीज का जो रोगी होता है, हमने पहले एक क्लास में उसको सेकेरिन खिलाया है, कृत्रिम मधु, मधु मतलब शहद मीठा जो शर्करा, उसको हमने कृत्रिम शर्करा उसको खिलाई थी सेकेरिन मधुमेह रोगी को। और आपको पता है मधुमेह जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है तो एक इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का, ठीक है। तो ये इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो किस से मिलकर बनती है, तो प्रोटीन है तो एमिनोमल से मिलकर बनी हुई होगी। इसमें होते हैं दोस्तों 51 एमिनो एसिड। तो इंसुलिन का एक अणु कितने एमिनो अम्ल से बनता है, 51 एमिनो एसिड से, 51 एमिनो एसिड से इंसुलिन का निर्माण है वो होता है, ठीक है। मैंने कहा लगभग 100 के आसपास एमिनो एसिड मिलकर है वो एक प्रोटीन के एक अणु का निर्माण है वो करते हैं। अब बात करते हैं भी इस प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, इसके स्रोत क्या है, जहां पर इसकी जो प्राप्ति होती है।
तो हमें छोटी क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, जैसे हमने रटा रटाया एक प्रश्न अक्सर दिया जाता है, सोयाबीन खानी चाहिए, सोयाबीन खानी चाहिए। सोयाबीन में लगभग 43-44% के आसपास, 43% के आसपास है वो प्रोटीन होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो किस में होती है? सोयाबीन में होती है, इसलिए इसे खाना चाहिए। उसके अलावा है मांस है, उसके अंतर्गत भी ये प्रोटीन होती है। अंडा है, उसके अंतर्गत भी है। तो आप तो भैया शाकाहार अपनाओ, कोरोना को दूर भगाओ, इसलिए सोयाबीन खाओ। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा है वो प्रोटीन होती है। उसके अलावा अब दो बातें इसमें और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है। एक तो है दोस्तों प्रोटीन से संबंधित ही है सारी बातें। अब दो बातें कौन कौन सी है? एक तो है इसकी कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग हैं जिनका नाम ध्यान में जरूर होना चाहिए। एक तो है दोस्तों नाम उसका क्वाशियोर कोर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोर कोर, और दूसरा रोग है मेरेस्मस। तो प्रोटीन की कमी से कई बार क्या होता है, छंटनी करनी पड़ती है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन से होता है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए ये दो रोग हैं, क्वाशियोर कोर और मेरेस्मस रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोर कोर रोग में क्या होता है, ये रोग जिस व्यक्ति को होता है उसे भूख नहीं लगती है और उसका शरीर है वो सूजकर थोड़ा बड़ा हो जाता है, जबकि मेरेस्मस के अंतर्गत व्यक्ति है वो दुबला पतला हो जाता है, आंखें हैं वो अंदर की तरफ है वो धस जाती है। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम आपको पता हो। उसके अलावा एक प्रश्न और बाकी बचता है जहाँ पर आपको ये पता हो भी, कुछ तथ्य आपको दिए जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है भी इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है या फला प्रोटीन किस में अधिक पाई जाती है, और नीचे आपके ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो पहला इसमें बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमारे बाल, नाखून, पशुओं के जो सींग है, तो बाल, नाखून, सींग या ऊन, इनमें से कोई भी देख के आपसे ये पूछ ले भी इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कीरेटीन, कीरेटीन, कीरेटीन। तो बाल, नाखून, सींग, ऊन, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कीरेटीन पाई जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां, तो मांसपेशियों के अंतर्गत कौन सी प्रोटीन है वो पाई जाती है? तो मांसपेशियों में होती है मै से मै, मायोसिन, मायोसिन। तो मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन होती है। उसके बाद हमें और सामान्य जानकारी की बात करें, अंडे में, अंडे में कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन होती है। अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। दूध में भी हमने पहले पढ़ी है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन होती है, दूध में कैसीन होती है। आपसे गेहूं में पूछ ले, गेहूं में, गेहूं के अंतर्गत कौन सी प्रोटीन होती है, तो उसका नाम ग्लाइडीन है, ग्लाइडीन। तो गेहूं में ग्लाइडीन, गे से गे आपको मिलाना है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो किन में? बाल, नाखून, सींग, ऊन में कीरेटीन प्रोटीन होती है, मांसपेशियों में मायोसिन, अंडे में एल्ब्यूमिन, दूध में कैसीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लाइडीन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में हो, ये ऊपर प्रोटीन की कमी से होने वाले दोनों रोग आपको अच्छे से पता हो। उसके बाद प्रोटीन का निर्माण है वो एमिनो एसिड से होता है, अर्थात अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होते हैं ये। 1 ग्राम से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये बातें इतनी आपको पता हो, और एक ये सोयाबीन वाली भी, सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में होता है। फैट में आपको 9 कैलोरी वाली बात पता हो, और पाचन से इसमें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, यानी ये दो होते हैं, तो इसमें यानी वसा में क्या होता है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। सॉलिड रूप में होता है ये,
वसी अम्ल और ग्लिसरॉल है वो सॉलिड रूप में है तब उसे हम फैट बोल देते हैं, लिक्विड रूप में होता है तब उसे ऑयल बोल दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका भोजन के पोषक तत्व है, यानी आपकी जो जंतुओं में पोषण की जो यूनिट थी उसके सारे टॉपिक आज अपने क्लियर हो चुके हैं, जिसमें हमने विटामिन्स, खनिज लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और इनसे हमें प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, इनसे हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, संतुलित भोजन पर भी, तो सारी पूरी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आप अच्छे से इन वीडियो को देखते रहिएगा, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस यूनिट से अगर प्रश्न आता है तो एक सिंगल प्रश्न इतने मैटर से बाहर नहीं आएगा, विश्वास रखिएगा। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।